आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। रतनपुर मुस्लिम जमात के द्वारा आज अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के द्वारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन को जुलूस निकालकर एवं एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर गले मिलकर बधाइयां देकर मनाया गया। आज रतनपुर में सुबह 9 बजे करे हपारा और भीड़ी मुड़ा से मोहम्मदी जुलूस निकालकर महामाया चौक पहुंचे। वहां से दोनों जुलूस एक शक्ल में पूरे शहर का गश्त करते हुए बड़ी बाजार, मदीना मस्जिद, बनियापारा, भीड़ी मुड़ा होते हुए मदार शाह की मजार पर पहुंचे, जहां पर फातिया खानी करने के बाद जुलूस का समापन हुआ। इस दौरान जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया और मिठाई, शरबत, पानी इत्यादि का स्टॉल जगह जगह लगाया गया। सभी एक दूसरे को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बधाई देते नजर आए। वहीं 1 बजे से इज्जत शाह रहमतुल्लाह के मजार पर आम लंगर रखा गया, जिसमें सभी धर्म समुदाय के लोग आम लंगर में एक साथ बैठकर खाना खाया और भाईचारे के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमे विलादत की दिन है। बड़े खुशी और उत्साह के साथ हम अपने पैगम्बर के आज जन्मदिन मना रहे हैं। इसमें नगर के सभी लोग हमारी सहयोग किए और जुलूस को कामयाब बनाया, और जो जुलूस करहियापारा से निकलकर पूरी नगर की गश्त करते हुए मदारवाड़ा होते हुए पुनः फिर करहियापारा वापस जा रही है, और बड़ी लोग मिलजुल के भाईचारा का मिसाल, और नगर में सभी ने इस जुलूस का स्वागत किया। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं और सारे नगरवासियों का सरकार की आमद की खुशी में सबको मुबारकबाद देते हैं। इसी मुबारकबाद की खुशी में दरगाह इज्जत शाह में आम शाही लंगर का भी अहतमाम किया गया है। लिहाजा मैं सभी जुलूस वासियों से और नगरवासियों से गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उस लंगर में पहुँच कर सरकार की लंगर तनाउल फरमाएँ। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।